माई मेरे पीछे आ रही है, आप देख सकते हो। बस बाबू ये रुक जा, दूध ले, दूध लेगी है? ये दूसरी माई है, दूसरी माई है। अरे बस लो भाई, मैंने तो माई को दे दिया भाई दूध, माई के लिए दूध लेकर आया सुबह रोज, किसी ना किसी दिन तो मिलेगी यहाँ आगे जरूर। तो गाइस आज 16वां दिन है और अभी माई को आवाज देख देखा था कहाँ, क्योंकि हमने नजर में हल्दी सारे में अभी तक माई दिखी नहीं कहीं, बाहर तो कहीं है ही नहीं, अंदर ही होगी खेत में कोई से में। माई 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 माई, ए माई। तो गाइस माई इधर की साइड तो कहीं मिली नहीं, अब दूसरी साइड जाकर देखूंगा, आवाज दूंगा, यहाँ तो आवाज दे ली मैंने, यहाँ तो माई दिखी नहीं कहीं भी। माई माई माई। तो गाइस कल जो है राजेश ने माई देखी जबरेटे वाले रोड पर, और भी ली लगाई थी तो सबके साथ गई कल वो यहाँ से, तो फिर हमने रुक कर देखा नहीं, बल्कि राजेश ने देख लिया था कि हाँ वो माई इनके साथ ही घूम रही, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि भाई माई रोज आ जाती होगी वापस यहीं और भाई इनके साथ घूमती होगी फिर वापस आ जाती होगी खेत पर ही। तो गाइस आज हमें जो माई यहाँ मिली नहीं, आई नहीं मतलब वापस, वो चली गई शायद अपनी माँ के साथ, परसों भी उसकी माँ आई थी और उसके साथ घूम कर और फिर चली गई थी, पर कल मैं सामने लेकर चली गई शायद अपने साथ उसे। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है माई चली गई, बाकी बस उसका पैर सही हो जा और वो ठीक हो जा। बस देखो माई की माँ जो है यहाँ होती डेली, यहाँ डेली होती है, माई भी यहाँ रहती इसमें सामने ही, तो वो भी चली गई अपनी माँ के साथ। तो आज माई मिली नहीं है, हम दूध ले आए वापस, बाकी दोपहर में तन्ने गलती करी तो शायद चलता ना तो माई मिल जाती। अरे मैं चलिए देख माई वहीं मिलेगी दोपहर में, चला का हाँ तो गाइस ये दूसरा चक्कर हमारा खेत का, 12:30 बजे रखे दिन के और जो माई कहीं नहीं मिली, बहुत ढूंढी, सब यही कह रहे कि वो अपनी माँ के साथ चली गई भाई, उसके साथ रहने लगी थी वो 2-3 दिन तो अपनी माँ के साथ। तो गाइस आज मैं थोड़ा थोड़ा दुखी भी हूँ और खुश भी हूँ, दुखी तो इसलिए हूँ कि माई चली गई और खुशी इस बात की है कि वो अपनी माँ के साथ चली गई तो शायद जल्दी ठीक हो जाएगा उसका पैर भी, क्योंकि उसकी माँ को तो पता होगा ना कि भाई अगर चोट लगा तो कौन कौन सा घास खाना चाहिए, वो तो बच्ची थी उसे तो पता ही नहीं था इस बारे में कुछ भी। वो ढूंढने की कोशिश बहुत करी मैंने, साज सुबह भी बहुत ढूंढा 2 घंटे तक, और जी अब भी गया था दोपहर में 12:30 बजे के आसपास, तब भी नहीं मिली, बहुत ढूंढा उसे, नहीं तो मेरी एक आवाज़ मारने पे आ जाती जंगल में जहाँ भी होती, यानी कि अगर मरे वाले जंगल में कहीं भी होती ना वो तो आवाज़ पा जाती सुनोगे, पर वो मरे वाले जंगल में है नहीं गई, वो दूसरे वाले जंगल में चली गई, तो इसलिए वो मेरी आवाज़ सुनकर आई नहीं। पर फिर भी मैं डेली जो है सुबह दूध लेकर डेली जाऊँगा उसके लिए, क्या पता वो भी ढूंढते हुए आई जा वापस, अगर ज़्यादा दूर निकल गई होगी तो शायद मुश्किल है, नहीं तो आए कभी ना कभी तो आगे जरूर। वो मैं शाम को भी जाऊंगा माई को देखने के लिए अगर मिली तो, बाकी तो जाएगा ही पता चलेगा शाम को।
तो गाइस अब फिर से आए खेत में माए को ढूंढने के लिए, माए का दूध ले कर आए। देखा मिलेगी तो टाइम 4 बज रखे। माई, ए माई, माई यहाँ होती तो एकदम बोलती है, एकदम लगती कहीं होती चाहिए हो। उस तक आवाज जाई चाहिए बस। तो गाइस हमने माई को ढूंढ लिया, बहुत दूर दूर देख लिया, जहाँ एक ने बताया था शाम के टाइम वहाँ भी देख लिया, वहाँ भी नहीं मिली आवाज भी मेरे को। देख ली माई को, दो चार से पूछ भी लिया, बल्कि एक बताया तो रहा था कि मतलब एक झील गए हैं, दो बच्चे थी उनके साथ, शायद उनके साथ हो तो भाई। ये सुबह सा चौथा चक्कर हमारा, और जी 6 बज गए शाम के, माई कहीं नहीं मिली, सारे में ढूंढ ली। जो दूध लाए थे उसके लिए, उसे भी बस अब यहीं सड़ा कर चले जाएंगे दूबड़े में। लो भाई मैंने तो माई को दे दिया भाई दूध, जब माई नहीं मिली तो यही सही, पर फिर भी मैं रोज आया करूँगा सुबह ही माई के लिए दूध लेकर आया करूँगा सुबह रोज, किसी ना किसी दिन तो मिलेगी, यहाँ आगी जरूर। तो भाई मैंने दूध सड़ा दिया, पर जो अभी मुझे लग रहा है कि शायद माई कहीं से मिल जाए, इसलिए ढूंढने के लिए फिर से रोड पर निकल गए। आग देख कह रहे जाओ, शाम देखी गई थी वहाँ देखने के लिए, जा रहे एक बार, अगर मिलेगी तो उससे मिल खा जाएंगे, जी सब कुछ हो जाएगा हमारा भी। आज जो सुबह से बहुत दुखी हूँ, अभी सुबह से ढूंढ ही रहा माई को, अपनी आँखों से देख लूँगा उस अपनी माँ, उसकी माँ के साथ, तो जो थोड़ी सी खुशी सी हो जाएगी मुझे भी, फिर मुझे इतना दुख नहीं हो रहा। सांझ यही खड़ी थी अन्नी, अगर होती तो दिख जाती।